कि औकात नहीं है दुश्मनों की मुझसे आंख से आंख मिलाने की, और बात करते हैं साले सब मुझे घर से उठाने की। सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू साइलेस एडिटिंग जोन। जहां दोस्तों बहुत दिनों बाद आपका भाई फेस कैम वीडियो लेकर आ रहा है, और बहुत ही तबाही वीडियो ये होने वाला है, जिसके अंदर गाइज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी आवाज में सारी वीडियो को बना सकते हैं। और ये कंप्लीट वीडियो गाइज होने वाला है, पूरे यूट्यूब पे आपको इस टाइप की वीडियो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, और 110% आपका भाई जेन्युइन जानकारी बताएगा, जिसके अंदर गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इस टाइप की वीडियो को शूट करेंगे, साथ ही गाइज एडिट करेंगे, और किसमें अपना मतलब अपनी साउंड को रिकॉर्ड करेंगे, अपनी वॉइस को, और साथ ही गाइज आप शायरी को कहां से ला सकते हैं, एवरीथिंग जानकारी आपका भाई देने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज सारी वीडियो शूट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले गाइज आप एक फोन से भी कर सकते हैं ये सारी चीजें, लेकिन गाइज अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको एक माइक की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए आपका भाई बताता है। सबसे पहले गाइज आपकी दो फोनों की जरूरत पड़ने वाली है, एक फोन में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे और दूसरे फोन में गाइज अपनी वीडियो को, और एडिटिंग के टाइम में वीडियो और ऑडियो को मर्ज करके आप एक प्रोफेशनल वीडियो को बना सकते हैं सारी वाला। लेकिन गाइज मैं आपको एक ही फोन से ना मतलब शूट करके बताने वाला हूँ सारी वीडियो को। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि कैसे वीडियो को शूट किया जाता है और साथ ही एडिट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे वीडियो को शूट करना है। सो गाइज मैं रवि भाई को बुला लेता हूँ सारी वीडियो शूट करने के लिए, तो आ जाइए रवि भाई। सो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं मैं सायरी कहाँ से लाया हूँ, तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा कि कहाँ से आप सायरी वीडियो को ला सकते हैं। तो पहले मैं फटाफट से शूट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि औकात नहीं है दुश्मनों की मुझसे आंख से आंख मिलाने की, और बात करते हैं साले सब मुझे घर से उठाने की। सो व्हाट्स अप गाइस, सारी वीडियो एडिट करने के लिए आपको VN ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपल से VN ऐप को ओपन कर लेना होगा, और जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा, और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले गाइस आपको नीचे साइड में प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक कर लेने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, और आपके गैलरी की सारी वीडियोज यहां पे शो होने लगेंगी और फोटोज भी। तो हम लोग वीडियो वाले सेक्शन में आके अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम लोगों को एडिट करना है। तो मैं फटाफट से एक वीडियो को यहां से सिलेक्ट करके और नीचे साइड में तीर के आइकन पे क्लिक कर देंगे, और तीर के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो होगा ना वो VN ऐप के टाइमलाइन पे आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं हम लोग का वीडियो यहां पे आ चुका है। तो आने के बाद सबसे पहला काम हम लोग का ये होने वाला है कि वीडियो के जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे हम लोग को डिलीट करना, काट कर। तो वो कैसे करना चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो सबसे पहले गाइस आपको अपनी वीडियो को यहां से चलाना होगा, देखना होगा कहां से आप बोल रहे हैं। तो मैं पहले वीडियो को यहां से चलाता हूं। देख ले गाइस यहां से मैं बोल रहा हूं, तो यहां पे ये जो व्हाइट वाला जो टाइमलाइन का एक लाइन होता है यहां पे आ जाएगा, और लाने के बाद आपको नीचे साइड में ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहां पे एक कैंची का ऑप्शन मिलेगा, तो स्प्लिट करके यहां से इसे काट दीजिएगा, और जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना है ना उसे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद यहां पे ना ब्लू कलर का येलो कलर का एक आउटलाइन बन जाएगा, यानी कि वो पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो सिलेक्ट करके आपको नीचे साइड में डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके उस पार्ट को डिलीट कर देना होगा, और मैं आपको ऐसे लास्ट में लेकर चलता हूं। और लास्ट में ले जाने के बाद ना यहां पे एक VN ऐप का लोगो टाइप का मिल जाएगा, तो इसे भी लेने के बाद आपको डिलीट के आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और डिलीट के आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद एक बार मैं वीडियो को चला के दिखाता हूं कहां से आपको कट लगाना है। तो पहले मैं वीडियो को चलाता हूं, आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा, 110% मैं आपको एडिटिंग सिखा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले मैं वीडियो को चलाता हूं कि औकात नहीं है दुश्मनों की मुझसे आंख से आंख मिलाने की, और बात करते हैं साले सब मुझे घर से उठाने की। देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों का सायरी खत्म हुआ है ना गाइज, वहाँ पे इस टाइमलाइन को हम लोग लेकर आएंगे और नीचे साइड में स्क्रॉल करके कैंची के ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक करके और यहाँ से पार्ट को काट लेंगे, और काटने के बाद जो सेकंड वाला पार्ट है हम लोगों का लास्ट वाला ना इसकी साउंड को हम लोग म्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और इसकी साउंड को हम लोग पूरा जीरो कर देंगे, और कर लेने के बाद आपको सिंपल से गाइज क्या करना होगा, इस सेकंड वाले पार्ट में ना जो शुरू वाला है यहाँ पे आ जाएंगे, और आने के बाद आपको सिंपल ऐसे नीचे स्क्रॉल
करना होगा और स्क्रॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे स्लोमो को डालना है। तो स्लोमो को डालने के लिए आपको स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और करने के बाद आपको कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो डॉट है इसे पकड़ के मैं नीचे कर दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, और नीचे कर लेने के बाद इसे भी हम लोग नीचे करके इसे यहाँ पे ला लेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका वीडियो स्लोमो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर लेना होगा और राइट क्लिक कर लेने के बाद देखिए आपकी वीडियो कैसा दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही बवाल। और इसके बाद गाइज आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको आना होगा शुरू में, और शुरू में आने के बाद आपको म्यूजिक को ऐड करना होगा। और आप म्यूजिक कहाँ से लेकर आएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं म्यूजिक का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से इजीली आप म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिक आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो म्यूजिक को लगाने के लिए गाइज आपको ऊपर साइड में म्यूजिक का एक प्लस का आइकन मिलेगा, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और म्यूजिक वाले सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ प्लस के आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फॉर्म वीडियो पे आप क्लिक करके और ओके क्लिक कर दीजिएगा। और मैं यहाँ से एक वीडियो को ले लेता हूँ फटाफट से, और इस वीडियो को लेके अब मैं ओके क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोगों का वीडियो आ चुका है। तो ऊपर साइड में यहाँ पे चूज के आइकन पे हम लोग क्लिक करके और यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे, और राइट के जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक वाले पे क्लिक करके यहाँ पे ना गाइस एक ऑप्शन करके मिलेगा, तो ऑप्शन वाले पे मैं आ जाता हूँ। और आने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ से आपका बीट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। और क्या करेंगे, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके राइट क्लिक कर लेना होगा, और करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो कटआउट हम लोग वीडियो में लगाए गाइज ना, इस कटआउट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे इसके बराबर, और यहीं से म्यूजिक वाले पे हम लोग क्लिक करके और यहाँ पे कैंची के ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से म्यूजिक को हम लोग दो पार्ट में कर लेंगे। जो पहला वाला म्यूजिक का पार्ट है गाइज उसे हम लोग अच्छे से इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शंस पे चले जाएंगे और इसकी वैल्यूम को हम लोग कम करके यहाँ से प्लस 16% कर देंगे, 16 या 17 आप कीजिएगा। और करने के बाद यहाँ से आप राइट क्लिक कर लीजिएगा और अगेन गाइज ये सेकंड वाला पार्ट है इसे हम लोग ना म्यूजिक को 100% ही रहने देंगे और राइट क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद सिंपल से गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो वीडियो के दोनों वीडियो के बीच में हम लोग कटआउट लगा हैं इसके प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करके यहाँ से जूम वाले को क्लिक कर देना होगा और यहाँ से राइट। और इसके बाद गाइज यहीं पे सेकंड वाले पार्ट के जो शुरू में होगा वीडियो का ना यहाँ पे लाके ऐसे आपको स्क्रॉल करना होगा, इफेक्ट्स के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से मैं ना ये वाले इफेक्ट को लगा लेता हूँ, ये वाले यहाँ पे सेक करके सेक वाले को लगा लेता हूँ। और लगाने के बाद सिंपल से गाइज ना जितना आपको वीडियो को एंडिंग पार्ट रखना है वहाँ से लेकर आइएगा यहाँ तक मैं वीडियो को रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे स्प्लिट के आइकन पे क्लिक करके और सेकंड वाले वीडियो को आप डिलीट कर दीजिएगा। अब केवल हम लोग का वीडियो यहाँ पे गाइस देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को चला के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग का वीडियो बना है, और मैं यहाँ पे म्यूजिक कहीं कहीं पे ऑफ कर दूंगा क्योंकि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कि औकात नहीं है दुश्मनों की मुझसे आग से आग मिलाने की और बात घर से उठाने की। देखिए गाइज कितना खतरनाक हम लोग का वीडियो बन चुका है यहाँ पे। तो गाइज एक काम हम लोग और कर लेते हैं, यहाँ पे बीच में ना जो पहले वाला वीडियो का हम लोग पार्ट है बीच में लाके यहाँ पे कट लगा देंगे और प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐसा आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रोटेट वाला इफेक्ट लगा लेता हूँ, ये वाला ऐसे, और राइट कर लूंगा। और इसके बाद गाइज कंप्लीट हम लोग का वीडियो तो यहाँ पे एडिट हो चुका है, लेकिन गाइज इसमें अभी हम लोग ने कलर को ऐड नहीं किया, बिना कलर का ये वीडियो बहुत ज्यादा फीका लग रहा है। तो लीजिए गाइज हम लोग का हो चुका है। तो अब अपने वीडियो के अंदर आप कैसे मतलब ना कलर को डाल सकते हैं, उसको डालने के लिए आपको यहाँ पे ना वीडियो को अपने सिलेक्ट कर लेना होगा, फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे ना फिल्टर में आके ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और स्क्रॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो लाइट वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा और ऐसे आप स्क्रॉल करके साइड में आइएगा, और स्क्रॉल करते आप जैसे ही आइएगा तो आप लोगों के सामने एक फिल्टर मिलेगा LT7 करके, तो इसे गाइस आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और करने के बाद आपको एडजस्ट के आइकन पे जाना होगा और जाने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ से इंक्रीज करके 16% कर लेंगे और सेचुएशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके प्लस साइड में 18%, वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 40% कर लेंगे, और इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना यहाँ से माइनस साइड में
21% कर लेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे HSL वाले में आके और ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ग्रीन की कलर को हम लोग ना इसकी सेचुएशन को 100% कर देंगे। येलो कलर को लेके इसकी भी ह्यू को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर देंगे और फेस वाले कलर को लेके इसको हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -37 कर देंगे और इसकी ना जो होता है लाइटनेस को ऐसे हम लोग इंक्रीज करके 35 कर देंगे। और ऐसा आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे इसकी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा ना माइनस साइड में रख लेते हैं, -10 कर लेते हैं। और इसके बाद आपको ना नीचे साइड में दो को ऐसे सही वाला मार्क मिलेगा, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यही कलर ना आपके सभी वीडियो में लग जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही हम लोग का सभी वीडियो के अंदर मतलब सभी पार्ट के अंदर ये कलर लग जाएगा एक ही बार में। तो अब देखिए हम लोग का कंप्लीट वीडियो कैसा बना है। कि औकात नहीं है दुश्मनों की मुझसे आँख से आँख मिलाने की, और बात करते हैं साले सब मुझे घर से उठाने की। तो लीजिए गाइज हम लोग का कंप्लीट वीडियो तो एडिट हो चुका है। तो इस वाले वीडियो को फुल HD में सेव करने के लिए डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और करने के बाद ये आपका वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा गैलरी के अंदर। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। सो दोस्तों मैं साड़ी कहाँ से लाता हूँ चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी गूगल को ओपन कर लेना होगा और कर लेने के बाद इसके सर्च के आइकन पे गाइज आपको क्लिक करके और यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा साड़ी एटीट्यूड इन हिंदी। और जैसे ही आप यहाँ पे ये टाइप करके सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने नीचे आप लोगों के सामने बहुत सारे वेबसाइट नजर आएंगे। तो मैं पहले वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ओपन गाइज मैं जैसे ही करूंगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते बहुत सारे शायरी मिल जाएंगे एटीट्यूड वाला, और आप यहाँ से इसे मतलब डाउनलोड करके रख सकते हैं और याद करके अपनी सारी वीडियो को बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।